हे गाइस, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो शाम के बज गए हैं 5:30 और हम दोनों देवरानी जेठानी जा रहे हैं खाना खाने। अंकल बुलाया है खाने के लिए। तो आज फ्रेंड्स चिकन पार्टी है, क्योंकि सावन, 2 महीने का सावन था, आप लोगों को तो पता ही है। तो सावन में कुछ खाना पीना नहीं हुआ है और बोले कि रुक जाओ 2 दिन फिर खाओ के जाना। तो सोचे कि चलो क्या करना है 1-2 दिन में। तो आज दिन है फ्राइडे और कल सैटरडे है, तो कल मैं जाऊंगी नहीं, संडे में जाऊंगी यहाँ से लखनऊ। तो आज है पार्टी हमारी, तो अभी हम लोग निकलेंगे, अंकल अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो साथ में निकलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब अपनी फैमिली के साथ रहने का, घूमने का एक अलग ही बात होता है। तो बस चलिए निकलते हैं। नहीं तो समय से आज बाबा के दिखा के आंटी को वीडियो क्यों जी, अच्छे तो लग रहे हैं। हे गाइस, तो आ गई हूँ मैं यहाँ अपने अंकल के फार्म हाउस पे। मतलब हमारा ही फार्म हाउस है सब। और ये जो भाभी देख रहे हैं आप लोग, इनकी पूरी फैमिली रहती है जो कि यहाँ पे देखभाल ये लोग सब कुछ करते हैं। और इन लोगों को अपना घर वर बना के हम लोग दे दिए हैं और आराम से रहते हैं और सारी चीज़ों की देख रेख भी करते हैं। और भाभी बड़े मजाकिया मूड की थी और खाना तो पूछिए मत फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। मियाँ बीवी बहुत ही अच्छा चिकन और मटन बनाए हुए थे। मटन तो वैसे हमारे अंकल बनाए थे और बहुत सारे जानवर। बहुत अच्छा है, कुछ मालता नहीं है, अपना जितना है। क्या खाओगे, क्या खाओगे? अंकल का उंगली खा लेते हैं। हाँ ये भी खा लेते हैं। जिस साल अपना शुरुआत हुआ ना, ये बच्चा पढ़ा तो करुणा आ गया। इसका पिठोर लाल लाल है। प्रियांशु देवा तुम्हारा साइकिल जा रहा है? वो तो खुद गया साइकिल लेके जाने के लिए। साइकिल गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। अंदर चलिए, चला जाएगा अभी। इसमें बोलेंगे ये है हमारे अंकल का मुर्गी फार्म, देख सकते हैं फ्रेंड्स इतनी सारी मुर्गियां हैं हमारे यहाँ। हाँ ये देखिए कौन सा है? अच्छा है, ये वाला मुर्गा है। कौन कौन सा मुर्गा है बताओ? ये मुर्गा बड़ा हो गया है। हाँ तो देखिए, वीडियो YouTube पे डालते हैं, हम देखते हैं आपका वीडियो। सही में कैसे आपका अंकल बताए कैसे है? हैं आपका अंकल वीडियो बताए। अच्छा मम्मी देखते हैं, हम देखते हैं। हाँ साइन हो गया है।
तो कमेंट भी करना है। हाँ कमेंट करोगे तब पता चलेगा ना। नहीं सर एक यहाँ पे है भाग गए। तो कोनो भुलाएं थोड़े हम। चलो अरे भूल भुलैया नहीं है। और क्या अंडा आता है यहाँ से। कभी कई मुर्गी ऐसे नीचा जो है ठोक ठोक के अंडा पी लेती है। यहाँ जो आ जाता है अंडा जो अंडा देती है वो भी पी लेती है। खुद का अंडा ही वो पी लेती है। हे भगवान बड़ी खतरनाक मुर्गी है सब। ये देखिए मुर्गा सबसे बड़ा मुर्गा से आप बोली रही है बहुत है। बड़का मुर्गा है जी। कहाँ है क्या सर पे जिसके लाल लाल है वही ना मुर्गा है। इसका ज्यादा है। हाँ नीचे यहाँ देखिए यहाँ में बाबू भैया के पास फोन मिलाओ मेरा अच्छा पेपर हुआ है। हम कह के आज नहीं मिलाएंगे बहुत तो चस्का लग रहा है। नहीं रिसी आएंगे हम पे नहीं रिसी आएंगे। एकदम अच्छा हुआ 90 बार जाएगा लिख के ले लो। इस बार ओला खरीदाएगा मेरा भी प्रियांशी करिए मेरा 100 में 100 आएगा। ये करे मेरा 90 पार करेगा। मेरा भी 100 में पार है। तो हमारा खाना रेडी हो गया है रात का। और आप लोगों को मैं दिखाई हूँ फ्रेंड्स कि ये मटन हमारे अंकल बनाया है और वो भी देसी चूल्हे पे ईंट के चूल्हे पे। जो कि चूल्हे पे आप लोगों को तो पता ही है कि खाना कितना सोना और कितना टेस्टी होता है। और सबसे पहले तो हम लोग स्टार्टर में खाए थे चिकन फ्राई जो कि बहुत ही अच्छा बनाए हुए थे। जो यहाँ पे अपना देखभाल करते हैं लोग वही मियाँ बीबी दोनों बनाए थे लोग और बहुत अच्छे से केयर किए थे लोग। ये बस सामने जो खड़ी है हरी साड़ी वाली यही यहाँ पे देखभाल करती हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो ये है हमारा आज का ब्लॉग मतलब गाँव का हमारे फार्म हाउस का। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और आप सभी आ जाइए मटन खाने वो भी गांव के चूल्हे वाले मटन। बाय बाय।